समटाइम आप सारा ओवरसीज़ को नहीं खिला सकते, तो यही प्लान था कि हमारे पास एक लोकल तगड़ा प्लेयर चाहिए था 5-6 नंबर पे, तो इसलिए हम आसिफ भाई के पास गए, हमने आसिफ भाई को चूज़ किया। तो यही रीज़न उसके पीछे यही था कि हमें एक 5-6 नंबर के लिए तगड़ा लोकल प्लेयर चाहिए था। वेल वहाब भाई की काफ़ी परफॉर्मेंसेज है पेशावर जर्मी के लिए, बल्कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी परफॉर्मेंसेज है, और बिल्कुल उनकी कमी महसूस होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इसी तरह सबने जाना होता है, तो वहाब भाई भी चले गए उनको बेस्ट ऑफ लक न्यू रोल्स के लिए, और हमारी यही कोशिश है कि इंशाल्लाह बेस्ट से बेस्ट बॉलर ले लें उनकी कमी पूरी करने के लिए। जी बिल्कुल, हर फैंस की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी टीम को अपने होम ग्राउंड पे देखें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ वजूहत की वजह से पेशावर में मैचेस नहीं हो पा रहे इस दफ़ा, लेकिन पेशावर जर्मी फैंस को यही कहूँगा कि चूंकि अभी रावलपिंडी हमारा होम ग्राउंड है, तो वहाँ आए, पिछले साल भी वो ज़रूर आए थे, ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं पिंडी, तो अब हमारा यही पिंडी होम ग्राउंड है, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप वहाँ हमें सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह अगर PSL 10 में अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर इंशाल्लाह पेशावर के मैचेस होंगे। अच्छा वेल मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, लेकिन साइम अयूब की 9 लुक शॉट, तो उसकी अपनी स्ट्रेंथ है, मेरी हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, तो उसकी वो खासियत है, मेरी दूसरी स्ट्रेंथ है, तो मैं उस पर काम करूँगा, और नहीं सरप्राइज तो नहीं, लेकिन एक दो शॉट्स में डेवलप कर रहा हूँ, अल्लाह करे उस पर 2-3 महीनों में और मज़ीद उसको स्ट्रॉन्ग करूँ, कॉन्फिडेंस जब उस पर आएगा तो इंशाल्लाह मैं इसमें ट्राई करूँगा। बैटिंग आपकी देखिए तो बैक टू बैक तगड़ी बैटिंग है, एक आउट होता है तो नीचे हार्ड हिटिंग आता है, फिर आउट होता है तो फिर हार्ड हिटिंग आता है, तो मैसेज क्या दे रहे हैं दूसरे बॉलर को, तो बीट क्या कर रहे हैं कि आप आपकी लाइन में? नहीं ये तो डिपेंड करता है कि जितनी भी बड़ी बैटिंग लाइन हो, लेकिन अगर उसकी फॉर्म नहीं लगी हो तो फिर फायदे नहीं है, तो डिपेंड करता है ऑन द सिचुएशन, तो हमने यही कोशिश की कि एक से एक क्या रिप्लेसमेंट हमारे पास मौजूद हो, जिस तरह आप देखें साइम अयूब हो गया, हसीबुल्ला हो गया लेफ्ट हैंडर्स है, मैं राइट हैंडर हूँ, इसके अलावा आसिफ भाई राइट हैंडर है, तो हम चाह रहे हैं कि अगर कोई फॉर्म में भी ना हो तो हमारे पास वो ऑप्शन मौजूद हो जो तगड़ी बैटिंग कर सके। साथ को तो पिक कर लिए, तो हमारे पास हर किसी की प्लान होती है, राइट टू मैच होता है हर टीम के पास, तो वो हमारी स्ट्रेटजी थी, अगर हमें ऊपर चाहिए तो हम ऊपर यूज़ कर लेते, लेकिन हमारे पास वो ऑप्शन थी तो हमने नीचे सिल्वर में यूज़ किया। नहीं इस तरह तो हम हर किसी उस बॉलर को ले लेते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म करता है, ऐसी बात नहीं है, वो दुनिया के ऑल ओवर द लीग्स खेल रहे होते हैं और काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, तो हर किसी को ज़रूरत थी, आलमोस्ट हमें भी ज़रूरत थी एक अच्छे रिस्ट स्पिनर की, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको ले लिया। जी बिल्कुल, जर्मी का तो एक ये है कि जितने इमर्जिंग टैलेंट अभी नीचे से आ रहे हैं, KP से हो या ओलर, जितने भी पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो हमारी कोशिश यही होती है कि जितने भी इमर्जिंग टैलेंट है वो अराउंड बाबर भाई के लगे, ताकि उनको बहुत कुछ सीखने को भी मिले और आगे पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करें, तो यही कोशिश आसिफ जिस तरह की परफॉर्म कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं माशाल्लाह, और इसलिए हमने उसको रिटेन भी किया था। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। काम किया है या फिर सिर्फ अग्रेसिव ही रहने वाला चला?
नहीं बिल्कुल, पिछले एक साल से मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। ये मुझे रियलाइज़ हो गया था पिछले एक साल से कि नई सिचुएशन को देखना होता है समटाइम, और ये अभी से मैं इसी पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर डिफरेंट सिचुएशन है वो जिस तरह डिमांड कर रही है उसी तरह मुझे अपनी बैटिंग डेवलप करनी चाहिए। ऑब्वियसली इंटेंट रहेगा, इंटेंट उसी तरह रहेगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा, एग्रेसिव ही रहेगा, लेकिन अगर डिमांड सिचुएशन कुछ और करिए तो उस मुताबिक खेलने की कोशिश करना। थैंक यू।